लाइन शिफ्ट करवा कर रात प्रदान करावे, धन्यवाद। श्री धर्मनारायण जोशी। माननीय सभापति महोदय, नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव। मुझे सदन में विचार व्यक्त करते हुए क्षोभ का अनुभव हो रहा है कि राज्य सरकार विगत 4 वर्षों से मावली विधानसभा क्षेत्र के विकास कार्यों योजनाओं में निरंतर उपेक्षा कर रही है। मावली के बागुल्या बांध को भरने की DPR 5 वर्ष पहले बन चुकी है, लेकिन वर्तमान सरकार ने मेरे सदन व सदन के बाहर बार बार मांग करने के बावजूद सरकार ने कोई स्वीकृति देना तो दूर, योजना के लिए केंद्र सरकार से पैसे की मांग तक नहीं की। मावली में राजकीय महाविद्यालय के भवन निर्माण के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने 19-20 व 20-21 के बजट में घोषणा की, कोई काम नहीं हुआ। अंततः यह कॉलेज भवन DMFT से बनाने का फैसला हुआ। विगत वर्षों में DMFT मत से स्वीकृत कार्य भी प्रारंभ नहीं हुए हैं। उदय सागर की नहरें कच्ची व टूटी हुई है, पानी व फसलें दोनों खराब हो रहे हैं। नहरों की मरम्मत शेष नहरों के पक्का न करने से क्षेत्र के कृषक त्रस्त हैं। नहरों के मरम्मत के काम पर केवल पत्राचार हो रहा है। घासा के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में क्रमोन्नत करने के संबंध में भी निरंतर मांग होने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई है। राज्य सरकार ने विगत 4 वर्षों में मावली से छोटे कई कस्बों को नगर पालिका का दर्जा दिया, लेकिन इसमें भी मावली की उपेक्षा की। लोकतांत्रिक व्यवस्था में विकास में भेदभाव चिंताजनक है। मेरा निवेदन है, विकास कार्यों की स्वीकृति व क्रियान्विति में राजनीतिक नजरें न रखा जाए और मावली विधानसभा क्षेत्र के लंबित कार्यों व योजनाओं को सरकार शीघ्र स्वीकृति देकर क्षेत्र के विकास को गति देवे, धन्यवाद। समाराम गरसिया श्री जक्सीराम। माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधानसभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियमों के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के जरिए सरकार से आग्रह है कि मेरे विधानसभा क्षेत्र रेवदर में प्रतिवर्ष टमाटर, अरंडी, सौंफ, रायड़ा, आलू, पपीता, गेहूं आदि की बम्पर पैदावार होती आई है। इस बार भी रेवदर विधानसभा क्षेत्र के सभी